नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। नैनीताल के लिए एक खुशखबरी सामने आई है, जहां प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर रसायन विज्ञान विभाग की शोध छात्रा चेतना तिवाड़ी का दक्षिण कोरिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक संस्थान कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट के पद पर चयन हो चुका है। वो अब 15 सितंबर 2022 से ही दक्षिण कोरिया के इंस्टीट्यूट को पूर्ण रूप से ज्वाइन करेंगी। इसके अलावा चेतना तिवाड़ी ने अपनी पीएचडी प्रोफेसर नंद गोपाल साहू के निर्देशन में पूरी की है। वहीं चेतना प्रोफेसर नंद गोपाल साहू के होने से खुद को बड़ी भाग्यशाली मानती है। उनका कहना है कि उनकी दिशा में चलने से ही ये सब हो पाया है। उन्होंने बेकार पड़े प्लास्टिक प्रबंधन, जल शोधन, पॉलीमर, नैनो कंपोजिट, बायोइमेजिंग और सेंसिंग के क्षेत्र में शोध किया। वहीं चेतना तिवाड़ी ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं जैसे कि नेट, गेट भी क्वालिफाई किया है। साथ ही अपनी एमएससी तक की शिक्षा एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी से पूरी की है। वहीं शोध के क्षेत्र में वो 2016 से कार्य कर रही हैं। अपने शोध कार्य के आधार पर उन्होंने लगभग 17 शोध पत्र, 7 पेटेंट, 3 बुक चैप्टर के साथ साथ 12 कॉन्फ्रेंस पेपर भी पब्लिश किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चेतना तिवाड़ी ने आईआईटी मद्रास, आईआईटी तिरुपति के साथ साथ अन्य कई संस्थानों पर भी जल शोधन का कार्य कर चुकी है। उनके इसी कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर 9 से भी अधिक अवार्ड मिल चुके हैं। ऐसे में उनकी सफलता पर उनके घर वाले भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।